वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं तहरी बनाने जा रही हूँ, तो मैं इसमें एक गरम तेल मैंने इसमें चढ़ाई है गैस में। अब इसमें मैं अनियन डालूँगी। मैंने यहाँ गरम तेल में अनियन डाल दिया है। अब ये सुनहरा होने तक इसको चलाते रहें। थोड़ा सा इसी में मैं जीरा डाल दूंगी। जीरा डालने के बाद इसको थोड़ा चला दें। उसके बाद अनियन को सुनहरा होने दें। अनियन हमारी सुनहरी हो गई है। अब इसमें मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। लेट्स गो। मैंने मूली को गोला गोला काट लिया है। अब मूली को इसी अनियन में मैं डाल दूंगी। अब मैं इसी के ऊपर डालूंगी गाजर। ये गया गाजर। थोड़ा सा चला लें। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी ली है। अब इसी में मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा चला दें। मसाले को थोड़ा सा भून लें। मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसमें मैं आगे की वेजीज ऐड करूंगी। मैं यहाँ वेजीज में पत्ता गोभी मैंने काटा था, तो वो मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ आलू को डीप फ्राई कर लिया था, तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें, डीप फ्राई आलू। मैंने यहाँ न्यूटी नगेट भिगा लिया था थोड़ी देर पहले, और इसको भी मैंने डीप फ्राई कर लिया है, तो डीप फ्राई न्यूटी नगेट। उसके बाद इन सबको मिक्स कर लें। आप चाहे तो इसमें हरी मटर भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, कोई भी वेजीज डाल सकते हैं, एज यू विश। मैं यहाँ इतनी ही वेजीज डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ही वेजीज अवेलेबल है। आपके पसंद के अकॉर्डिंग आप कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। सब्जियाँ मिक्स करने के बाद मसालों में सब्जियों को थोड़ा भून लें। जैसा कि आज यहाँ बारिश हो रहा है, तो मैंने यहाँ तहरी बना रही, तो आज हम लोग बारिश में तहरी खाएंगे। सब्जियों को भून लीजिए। अब मैं इसमें कटा टमाटर ऐड करूँगी, ताकि जब तक सब्जी भुने तब तक टमाटर भी गल जाए। सब्जियां हमारी भुन चुकी हैं। अब इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चावल, उसको ऐड करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ राइस ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें सब्जियों में। मैंने वेजीज और राइस मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी वाटर। मिर्चा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना तीखा पसंद हो। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैं यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। लास्ट प्रोसेस नमक मिर्च का मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने अंदाजा अनुसार नमक मिर्च इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको आप अच्छे से चला लीजिए। अगर आप भगोने में बना रहे हैं, मतलब खुला बना रहे हैं, तब तो आप खुले ही पका लीजिए इसको। नहीं तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं, तो कुछ ख़ास प्रोसेस नहीं करना, बस जहाँ 2-3 सीटी आए आप इसको ऑफ कर दीजिए, तो आपकी तहरी बनके तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ, तो मैं इसमें 2-3 सीटी लगाऊंगी। उससे पहले मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। मैं यहाँ कुकर बंद करने जा रही हूँ।
मैंने यहाँ कुकर बंद कर दिया है। अब इसको मैं 2 से 3 सीटी तक इसको पका लूँगी। जब 2 से 3 सीटी आ जाएगी तब मैं इसको ऑफ कर दूँगी गैस को। उसके बाद जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब इसको मज़े से खाएंगे। सो कैसी लगी ये तहरी की न्यू रेसिपी? लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसे ही वीडियो अच्छी लगती रहे तो मुझे कमेंट ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय।